हेलो यंग फिजिक्स लर्नर, वेलकम टू माय क्लास. दिस इज क्लास 11 फिजिक्स एंड वी हैव बीन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन. सो लास्ट इन माय लास्ट क्लास आई हैव डन सम न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन एंड दैट लेवल वॉज ईजी. एंड नाउ टूडे आई पिक्ड आउट दैट एनसीईआरटी बुक. रिमेंबर दिस एनसीईआरटी इज वन लेवल अप टू योर प्रेजेंट स्टेटस. आप अभी जितने भी लेवल पे कर रहे हो उससे अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, मैंने पहले भी बताया था एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो आपका लेवल हाई होगा. आप ये जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है या इसकी डिटेलिंग होती है, ये एक ग्रेजुएशन लेवल की बनाई जाती है. तो अगर आप एनसीईआरटी थॉरली रीड कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने लेवल को राइज अप कर रहे हो. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जितने भी हैं ये आपकी स्क्रीन पे आएंगे और एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चंस हैं ये. तो दिस लेवल इज़ द मीडियम लेवल. नेक्स्ट हम लेंगे कॉम्पिटिशन लेवल एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन न्यूमेरिकल्स. क्लियर? एंड द टॉपिक विल रिमेन सेम, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रिलेटिव मोशन. सो हियर इट इज मेंशन्ड दैट पोजिशन वैक्टर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ आई जे के. ये सब आप पढ़ चुके हो. अच्छा, एक मेरे एक और आपको सजेशन है कि अगर आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो और आपने पहले की टॉपिक जो जिस पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो पहले उन टॉपिक को पढ़ लो. उसका लिंक मैं वीडियो में शेयर कर दूंगी. ठीक है, वो पढ़ लोगे थ्योरी तो आपको न्यूमेरिकल इजी समझ में आएंगे. सो पोजीशन वेक्टर, दिस आर इज द पोजीशन वेक्टर, आई जे के फॉर्म में दिया हुआ, यानी थ्री डायमेंशनल पोजीशन वैक्टर है. अब इसमें हमें निकालना क्या, फर्स्ट पार्ट में वॉट इज द विलॉसिटी एंड एक्सेलरेशन, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. एंड सेकेंड वन वी हैव टू फाइंड द mod, mod means magnitude. So mod of v, mod of a and the direction of them at time t is equal to 1 second. We need to find it. जो बच्चे खुद से कर सकते हैं तुरंत फटाफट स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आप लोगों को टाइमली क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो पहले आप देख लो r को क्या लिखोगे. ये जो 3.0, 2.0, 5.0 लिखा है इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आती हूँ. 3ti 2t square j plus 5k, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पोजिशन वैक्टर. नाउ वेलोसिटी, वट इज़ विलॉसिटी? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन. विलॉसिटी को आप नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी है दैट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज कॉल्ड विलॉसिटी. सो रेट मीन्स क्या होता है, डिवाइडेड बाई टाइम. सो डी बाई डी टी इज डिवाइडेड बाई टाइम है हेयर एंड दिस इज कॉल्ड द चेंज इन द पोजिशन. आर इज पोजिशन, चेंज इन द पोजिशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई डी. इसको आप नॉर्मल जब लिखते थे तो ऐसे लिखते थे डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दैट वॉज द फॉर्मूला. तो अब डी के फॉर्म में ये है क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है. डी बाई डी टी मीन डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इज द मैथमेटिकल टूल बाई विच वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. और ये अभी आपके भी यूज होंगे, आगे भी यूज होंगे. सो ट्राई टू प्रैक्टिस ओवर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. क्लियर? नाउ बेसिक फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन. ये फॉर्मूला होता है. इस फॉर्मूले को ऑब्वियसली आपको लर्न करना पड़ेगा. देन आप इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हो डी बाई डी टी. वैसे तो मैं अभी ये डायरेक्टली सॉल्व कर लेती बट आपको ये दिखाना है कि कैसे सॉल्व हो रहा है, इसलिए ये स्टेप्स मुझे करने हो रहे हैं. 5k, ठीक है. तो डी, ये जो डिफरेंशिएशन है ये तीनों टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा. तो डी बाई डी टी ऑफ 3t, तो इसका रिजल्ट आएगा 3i. कैसे आया, टी है डेरिवेटिव है टी, यहाँ पर भी टी है. अब यहाँ पे d बाई डी टी रख करके देखो तो d बाई डी टी ऑफ t टू दी पावर n, यानी यहाँ पे कितनी पावर है, 1. कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, 3 ऑलरेडी बाहर आ गया था. आपने t की पावर 1 को डिफ्रेंशिएट किया है. सो आंसर क्या आना चाहिए, n जो ऊपर था पावर में वो 1 है, तो 1 एंड x की जगह पे क्या आ जाएगा, t 1 माइनस 1. एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. सो योर आंसर विल कम एज 1. क्लियर? सो यू हैव गॉट दिस रिजल्ट एज 3i प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 आगे आएगा, n x टू द पावर n माइनस 1. दिस इज n, यानी 2t टू द पावर 2 में से एक कम हो गया यानी 1. तो रिजल्ट आएगा 2t. अब ये 2t ऑलरेडी एक 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4t. 4t j प्लस इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग, यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल देन द आंसर मस्ट कम 0. ये सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं. इनको आप लोग ने जिन्होंने पढ़ा है दैट इज़ वेरी गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार को उसके फॉर्मूले रिव्यू कर लो. और जैसा मैंने आपको बताया था, मैं एक मैथमेटिक्स की क्लास लूँगी जिसमें आपको वो मैथमेटिकल टूल मैं आपको बता दूँगी जो कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल टाइम पे यूज़ होने हैं. ओके, सो हियर 5 बिकॉज देर इज़ नो वेरिएबल हियर, सो द आंसर विल कम एज 0. सो यू हैव गॉट द वी वैल्यू हियर. आंसर फॉर वी
वेक्टर इज 3i प्लस 4tj. दैट मीन्स अगेन इट इज़ अ टाइम डिपेंडेंट फंक्शन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एक्सिलरेशन. एक्सिलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt. तो आपका जो ये रिजल्ट आया इसी को आपको यहाँ पे यूज़ करना है. d बाई dt ऑफ v वेक्टर इज 3i प्लस 4tj. If you will differentiate it, you will get the value of a. ये first answer आ चुका था. यहाँ पे 3 है, this one is a constant, so answer will come as 0. फिर आप इस differentiation को इधर ले जाओगे, so 4 बाहर आएगा और d by dt of t formula आप ये use कर रहे हो, n x to the power n minus 1, तो 1 t to the power 1 minus 1, 0. So t to the power 0 is 1, so that is why it will come as 4j. So a answer is coming as 4j. That means acceleration is not time dependent. ये आंसर ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है. नो डाउट. अब हम आगे आ जाते हैं. हमें फाइंड आउट करना है t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एक्सिलरेशन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो डायरेक्शन के लिए भी फॉर्मूला अभी मैं आपको आगे बताती हूँ. सबसे पहले इसी के साथ में हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था. अब सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा? मॉड ऑफ v. सो मॉड ऑफ v मीन्स वॉट कि इसमें आप मॉड निकालते कैसे हो. जैसे v वेक्टर जो होता है वो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे के फॉर्म में रखा जा रहा है, क्योंकि तीसरा नहीं है, अदरवाइज मैं वी जेड के रखती. ठीक है, तो इसका मॉड आना चाहिए अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. जो भी वैल्यू होती है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, उसका स्क्वायर हो जाता है. तो आप यहाँ पर स्क्वायर ही कर रहे होगे. अंडर रूट ऑफ दिस वन इज वी एक्स, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर. अब t की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दे दी गई है. क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है. आप ऑलरेडी अपने आप को इतना ईजी लेकर के चलो कि आपके पास न्यूमेरिकल में हर एक वैल्यू दी है सॉल्यूशन को फाइनली सॉर्ट आउट करने के लिए. सो 4 इंटू 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर. सो यू विल गेट द आंसर दिस एज 25. ये तो बहुत कॉमन पाइथागोरस में यूज ही होता है. अंडर रूट 25 इज 5. सो मॉड ऑफ वी इज 5. यूनिट क्वेश्चन में आप देखोगे तो मीटर सेकेंड यानी एसआई टर्म्स में दी हुई है, तो मीटर पर सेकेंड आएगी. दिस वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. क्लियर. नाउ कम टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट आंसर एक्सिलरेशन. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड. सो मॉड ऑफ ए दैट शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ दिस वैल्यू. केवल जे टर्म है तो अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर हो जाएगा. जैसे मैंने इसमें बताया था सेम स्टेप यहाँ पे फॉलो हो रहे होते हैं. आप ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए एक्स ऑलरेडी है नहीं. ए एक्स कौन सा होगा? जो आई के साथ में होगा, आई कैप के साथ. ये जे कैप के साथ है तो ये क्या है? ए वाई. दिस वन इज ए वाई. ये दिया हुआ है आपका ए जेड है नहीं, ए एक्स है नहीं. तो आपका मॉड ऑफ ए क्या होना चाहिए? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. जिसमें से ए एक्स और ए वाई नहीं है तो सिंपली क्या होना चाहिए? ए एक्स और ए जेड नहीं है इसलिए सिंपली ए वाई होगा, क्योंकि जे टर्म दिया हुआ है. तो ए वाई का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर अंडर रूट हो जा रहा है तो 4 आ जाएगा. यूनिट ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस वन इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट एट 1 सेकेंड फॉर वी एंड ए. ये आ गया. अब आती है बात डायरेक्शन की. तो सेकेंड पार्ट में ही हमें डायरेक्शन निकालना है. अब डायरेक्शन कैसे निकलता है? टेन थीटा से. सो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई एक्सिस वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस वैल्यू. ये फॉर्मूला होता है. y एक्सिस वैल्यू यहाँ पर वी वाई को अगर आप देखोगे तो y एक्सिस वैल्यू कितनी है? 40. एंड टाइम इज गिवेन एज 1. सो y एक्सिस वैल्यू इज 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई x एक्सिस वैल्यू इज 3. दिस डिवाइडेड बाई 3. सो विल गेट द आंसर एज 4 डिवाइडेड बाई 3. दिस वन इज द आंसर. आप थीटा के फॉर्म में लिखते हो तो टैन इनवर्स करोगे. उस मैथमेटिक्स की क्लास में एक टर्म और लेना है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत टर्म यूज होते हैं. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और लॉगरिथम टेबल. ये जो टेबल की एक बुक आती है जिसे आप लॉग टेबल कहते हो, आपको लोगों को एग्जामिनेशन में भी प्रोवाइड की जाती है. अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता है. तो आपको जो रिजल्ट्स आएंगे साइन कॉस टैन के, सपोज टैन थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री आ रहा है. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टैन 15? यू डोंट नो. यू नो द वैल्यू ऑफ टैन 30, 45, 60, बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ टैन 15. तो उसके लिए आपको लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर आप टैन थीटा टैन 15 की वैल्यू को देख पाओगे. ठीक है, उसी तरीके से अगर आपका रिजल्ट लॉग ई बेस 2 की वैल्यू, जैसे अगर आप निकालते हो तो लॉग ई बेस 2 की वैल्यू 2.303 इंटू 0.3010 होती है. ठीक है,
ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप लॉग टेबल देखोगे तो टू की टेबल, टू लॉग टू पता होता है जनरली, लॉग फाइव पता होता है, लॉग थ्री पता होता है, लॉग थ्री इज 0.4771 फॉर लॉग टेन बेस। ई बेस के लिए वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन इनके अलावा और कोई वैल्यूज जनरली नहीं पता होती। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है लॉग टेबल की। तो वो लॉग टेबल कैसे देखी जाती है? मेरा एक्सपीरियंस यही है कि बच्चों को नहीं आती है लॉग टेबल देखनी, ठीक है? तो आप लोगों को लॉग टेबल भी मैं एक क्लास जो मैथमेटिक्स की क्लास लूँगी उसमें मैं बताऊँगी कैसे देखा जाता है। सो दिस वन इज टेन थीटा, द आंसर इज कमिंग एज 4/3। नाउ यहाँ पर भी आपको टेन थीटा निकालना है। सो एक्सेलरेशन का एंगल यानी डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज़ करते हो हमेशा? रिमेंबर दिस, डायरेक्शन के लिए आपको यूज़ करना चाहिए टेन थीटा, ठीक है? तो यहाँ पे डायरेक्शन भी पूछा गया था, इसलिए आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालोगे। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपका क्या होना चाहिए? वाई एक्सिस पे वैल्यू कितनी है? 4। और एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितनी है? 0। एक्स एक्सिस का कोई भी टर्म नहीं है, यानी आई कैप के साथ में कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए 0 होगा। 4/0 इज इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी। सो दैट मीन्स वॉट? कब आता है थीटा इन्फिनिटी? जब टेन थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी किस केस में आती है? फॉर 90 डिग्री। सो थीटा हियर इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज वर्किंग परपेंडिकुलर टू द पोजिशन वैक्टर। गॉट दिस? अच्छा, इसके साथ में एक बहुत ही यूजफुल पॉइंट आपको बताना है जो आपको NCERT के अलावा किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज वॉट? इफ़ यू आर टेकिंग द वन डायमेंशनल मोशन, इफ़ द बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, आपके दो चैप्टर है ना, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है तो देन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट मीन्स अलॉन्ग विद द वेलोसिटी डायरेक्शन, क्लियर? बट इफ़ द बॉडी इज मूविंग इन टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल प्लेन, देन एक्सेलरेशन इज नॉट नेसेसरीली इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इट मे बी फ्रॉम 0 to 120 degree, रिमेंबर दिस, फ्रॉम 0 to 120 degree इट मे वेरी एंड विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन वैक्टर, विद रिस्पेक्ट टू मोशन ऑफ द बॉडी। सो दैट इज़ द क्राइटेरिया फॉर टू डायमेंशन। ये डिफरेंस होता है एक्सेलरेशन में और टू डायमेंशन में। 0 to 120 degree के बीच का एग्जाम्पल है 90 degree। द डायरेक्शन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड मोशन, दैट मीन्स वेलोसिटी, दैट डायरेक्शन इन सर्कुलर मोशन इज 90 degree। वेलोसिटी कहाँ निकालते हो? टेंजेंट पे। और एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 90 degree पर होता है, क्लियर? तो ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन, नोट इट डाउन, इसको अपनी कॉपी में लिख लो, ये कहीं भी आपको नहीं बताई गई होगी और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। कितने बच्चों ने अभी कर लिया होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कि मेरे से पहले यहाँ पर सॉल्यूशन से पहले आपने क्विकली ये सॉल्व कर लिया था, ठीक है? मैं तो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऑब्वियसली आप अपना टाइम देखना कि 5 मिनट में आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मुझे जानना है कि कौन से बच्चे इंटरेस्टिंगली ये क्लास देख रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं देख रहे हैं। तो इनएक्टिव पार्टिसिपेंट डजेंट मीन एनीथिंग, गॉट इट? सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हेयर ऑन योर स्क्रीन, दिस इज मैंशनड ओवर द बोर्ड। ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतना डिफरेंट क्वेश्चन है कि ये आप एक तरीके से ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि एक कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन है, दैट मीन्स नेक्स्ट लेवल। ये मैं आज जो क्वेश्चन करा रही हूँ मीडियम लेवल के बताए थे मैंने आपको, ये डिफ़िकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन है। तो सॉल्व करो, जो बच्चा जल्दी सॉल्व कर लेगा बताना मुझे, ठीक है? यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। तो टी इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी होती है, इसलिए ये इनिशियल वेलोसिटी यू है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है जब वो प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन कैसे पता चला? आई और जे वैक्टर है, आई जे का मतलब एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में मूव करा, पूछा जा रहा है व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट व्हेन द एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। कोऑर्डिनेट 84 मीटर दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 84 मीटर का मतलब है कि ये पोजीशन वेक्टर का कोई टर्म है। पोजीशन वेक्टर का कौन सा टर्म है वो भी पता चल रहा है, एक्स टर्म है। पोजीशन वेक्टर हमें बेसिकली निकालना है, क्लियर? अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें पोजीशन वेक्टर आता हो? चलो, तो हमें शुरू करनी चाहिए सेकेंड इक्वेशन से ए पार्ट सॉल्व करने के लिए। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी सेकेंड इक्वेशन होती है दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। तो इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि s को क्या कहेंगे, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम r माइनस ऑफ r नॉट लिख सकते हैं, ut प्लस हाफ
80 स्क्वायर, क्लियर। अब आर नॉट ये ज़ीरो है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे देख लो ये वेलोसिटी यहाँ पर जो दी हुई है उसके बेसिस पे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, तो आर सिंपली हम आर लिख रहे हैं, तो आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू यू टी वैक्टर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है। अब जो टर्म्स दिए हुए हैं उसको यूज़ कर लो, तो आर दैट शुड बी इक्वल टू यू, यू की वैल्यू कितनी है 5i, यूज़ इट 5i t, प्लस हाफ ए की वैल्यू है 3i प्लस 2j टी स्क्वायर, क्लियर। अब इनमें से i i वाले टर्म एक साथ कर लो और j j वाले टर्म एक साथ कर लो, सो यहाँ पर 5t आया, i का टर्म है, इधर i का टर्म देखो तो 3/2 i t² आ रहा है, तो प्लस में ही है 3/2 i को बाहर रखना है टी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म किसके साथ में, i यूनिट वेक्टर के साथ। देन अब j का टर्म देखो तो हाफ और ये 2 है, सो कितना हो जाएगा 1, दैट इज j टी स्क्वायर, टी भी बाहर था, टी स्क्वायर j, क्लियर। तो ये i और j के टर्म आ गए, अब ये हो गई वैल्यू r की। अब यहाँ पर देखो तो r वेक्टर शुड बी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, दे होना चाहिए, तो आप कंपेयर कर सकते हो i के साथ में x टर्म ये है और y टर्म ये है, क्लियर। इससे होगा क्या बेनिफिट, आपके पास ये एक हिंट दिया हुआ है कि x टर्म की वैल्यू कितनी है 84, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 84, वो आप यूज़ करके टाइम निकाल सकते हो। सो कंपेयरिंग द LHS एंड RHS, यू हैव टू राइट दिस हियर, देन यू विल गेट द वैल्यू x इज इक्वल टू 5t प्लस 3/2 t² x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में 84 दी हुई है, 5t प्लस 3/2 t² ये वैल्यू हो गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड अगर y से कंपेयर करते हैं तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू t² है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है t², ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ अ y कोऑर्डिनेट, ये सेकेंड इक्वेशन में अननोन टर्म y हमें निकालना है, वो तब निकलेगा जब t निकलेगा और t यहाँ से निकलना है, ठीक है। तो सिंपल इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ओके, सो वी विल गेट दिस टर्म एज 3t² प्लस 10t माइनस ऑफ 168 दैट इज इक्वल टू 0, क्लियर है ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूं, ओके, सो हियर यू विल गेट 3t² प्लस, अब इसमें आपने निकाल लिया ये सॉल्यूशन, तो उसके बाद आएगा आपका रिजल्ट यहाँ पर दैट 28t माइनस ऑफ 18t, इसको आप खुद से सॉल्व करके चेक कर लेना, ठीक है, और खुद भी ट्राई करना चाहिए, ये आपका सिंपल LCM मेथड है। सो हियर यू विल गेट इट एज t यू कैन टेक कॉमन, सो इट विल कम एज 3t प्लस 28 एंड माइनस ऑफ टेकिंग कॉमन एज 6, सो 3t प्लस 6 this one, so you will get the term 3t plus 28 and t minus of 6 that is equal to 0, so obviously you will not use this term, you will use this one, so it will come as t is equal to 6. So what is the value of y coordinate, then in equation 2 you will get y is equal to t², that is 36 meter, so this one is the answer for first part. Now come to second part, what is the speed of the particle at that time, it is asked, time is here is 6, you have solved this value, time here is 6, so speed is asked, so speed, how can you find this speed, by the position vector, so here I am solving the second part, okay, second part mein diya hua hai ki velocity nikalni hai, speed nikalni hai, yani velocity aapko simply nikalni hai r ke form mein, to aap velocity ka formula kya hota hai, dr/dt, theek hai। अब r की वैल्यू एस सच तो आपकी आ गई है, x की वैल्यू भी आपको पता है कि 84 होती है, y की वैल्यू आपकी यहाँ पर 36 आई है, अगर आप वैल्यू पुट कर दे तो टाइम रहेगा नहीं, आपसे ये कहा गया है डैट टाइम, लेकिन आपको अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इक्वेशन से डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा, तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर ए, यहाँ ऑलरेडी हमने मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड दे दिया था, तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ए दे रहे हैं, एंड वी विल डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी वैल्यू हेयर
वी विल डिफ्रेंशिएट इट. जिन्होंने प्रैक्टिस अगर की होगी तो आपको पता है डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट्स आते जाएंगे. 5t लिखा हुआ है सो इट विल कम एज 5i प्लस, उसके बाद आपका आएगा 2, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 2t आएगा, दैट मीन्स वॉट 3t हो जाएगा. ये 2 एंड 2 ऊपर नीचे से कैंसिल होगा, 3ti ओके प्लस 2tj, ये वैल्यू आ गई. अब आप इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे t इज इक्वल टू 6. एट दैट टाइम कहा गया है दैट मीन्स t इज इक्वल टू 6, सो वेलोसिटी विल कम एज 6 वैल्यू. पुट द वैल्यू हियर, सो 5 यहाँ पे 6 3 18, तो 18 प्लस 5 क्योंकि ii वाले टर्म से एक साथ ऐड हो जाएंगे, सो इट विल कम एज, ये आपने t की वैल्यू 6 रख दी सो 18 हो गया. 18 प्लस 5 इज 23i प्लस 6 इंटू 2 इज 12j. सो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, बट इट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन वेलोसिटी, इट इज आस्क्ड स्पीड. स्पीड मीन्स वॉट? मॉड ऑफ वेलोसिटी. यू हैव टू कैलकुलेट मॉड ऑफ वेलोसिटी. सो अंडर रूट ऑफ 23² प्लस 12² 23² कितना होता है 529 प्लस 12² 144. इसका अंडर रूट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा. जो भी आंसर यहाँ निकल करके आता है आप उसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, तो आपको आंसर पता चल जाएगा. हियर द आंसर, मैं आपको यहाँ से देख करके बता देती हूँ. आंसर हेयर फॉर वेलोसिटी इज 26 मीटर पर सेकेंड. थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है. ये आपका एग्जैक्टली रिलेटिव मोशन से बेस्ड क्वेश्चन है एंड विच इज़ इन अ प्लेन. रिलेटिव मोशन की मैंने दो केसेस बताए थे, इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ प्लेन. तो ये इन अ प्लेन का केस है, ठीक है. और जैसा आपको पता है कि बोट प्रॉब्लम होती है, रेन प्रॉब्लम होती है, अम्ब्रेला किस एंगल पे होगा या इस स्ट्रीम रिवर को क्रॉस करने में किस तरीके की एंगल्स बनेंगे, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस रिलेटिव मोशंस में जनरेट होते हैं. तो आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लो, स्टार्ट कर दो उसको सॉल्व करना. सो क्वेश्चन हेयर, रेन वर्टिकली फॉल करी 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है. सो वेलोसिटी ऑफ रेन 35 मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली ये फॉल कर रही है ना ऊपर से नीचे तक है, सो दिस इज वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन. एंड अ वोमेन राइड्स अ बाइसिकल विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. सो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन डायग्राम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है इन दिस डायरेक्शन, क्लियर. इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और क्वेश्चन में है वॉट इज द डायरेक्शन इन विच ही शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला. सो इट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेंगे, ठीक है. अब इसमें देखो, सबसे पहले तो रेन ऑब्वियसली ऊपर की साइड होगी, ये जो वोमेन है वो नीचे की साइड जा रही होगी. सो वोमेन की स्पीड भी लिख लेते हैं, कितनी थी 12 मीटर पर सेकेंड. वट वॉज द स्पीड? 12 मीटर पर सेकेंड, ओके. सो दिस इज द स्पीड ऑफ वोमेन. सो शी हैज़ टू होल्ड द अम्ब्रेला इन दिस डायरेक्शन, हेयर इन दिस वन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होना चाहिए. और एंगल कितना फॉर्म हो रहा होगा, ये जो रेन से है, रेन की ड्रॉपलेट से, इससे ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है दिस वन, आप ड्रॉपलेट से देखोगे तो ये एंगल है थीटा, क्लियर. ऐसे ही एंगल होना चाहिए ये वोमेन की स्पीड अगर है तो, क्लियर. अब ऑब्वियसली यहाँ पर हमें सिंपली टैन थीटा निकालना है. मिस्टेक कहाँ होती है वो भी मैं बताऊँगी. तो यहाँ पर अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे तो टैन थीटा शुड बी इक्वल टू वॉट? Perpendicular over base, that means VW divided by VR, and you will get the answer 12 by 35. So tan theta is equal to 12 by 35. और easy ये हो सकता है, simplified हो सकता है ये? No, ठीक है. तो आपने theta की value निकालनी है, that will be tan inverse 12 by 35. अब ये answer तो आपका आ गया. अगर आपके option में ये answer दिया होता then it is correct one. अगर नहीं दिया होता, कुछ वैल्यूज़ होती तो आपको क्या करना पड़ता, टैन टेबल देखनी होती और टैन टेबल में जो वैल्यूज रिजल्ट की आएगी वो आपने यहाँ पे पुट करना होता, तब आपका थीटा आता. सो थीटा इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू डायरेक्शन. जब भी आपसे डायरेक्शन पूछा जाता है आप थीटा निकालते हो. गॉट माई पॉइंट? तो ये जो पॉइंट है, अब इसमें मिस्टेक कहाँ करते हैं बच्चे, देखो. अगर ये आप वोमेन का एंगल बना रहे हो और यहाँ से रेनफॉल करी, इसी तरीके से बनाओगे क्योंकि आप जनरली आपकी टेंडेंसी होती है टेल टू टेल ज्वाइन करने की, ठीक है. सो दिस वन इज़ द रेन. अब जब एंगल बनेगा तो एंगल इस तरीके से आ रहा होगा. व्हाट इज़ द एंगल हियर नाउ? विच एंगल यू विल यूज़? आइदर दिस एंगल और दिस एंगल, यू हैव टू डिसाइड इट. अगर आप मान लो ये एंगल लेते हो थीटा, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर. दिस थीटा शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर क्या होगा? वी आर डिवाइडेड बाई बेस इज वी डब्ल्यू. ऑब्वियसली यहाँ पे क्या था? वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी आर था, यानी गलत आता आंसर आपका. सेकेंड, अगर आप ये एंगल ले रहे होते
तब आपका ये करेक्ट आंसर आता। आप क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि वोमेन। इसके इक्विवेलेंट कौन सा कंपोनेंट आएगा, वोमेन का, तो वोमेन की वेलोसिटी। और ये तो ऐसे जब आप इस तरीके का डायग्राम फॉर्म करते हो तो मिस्टेक यहाँ पर एंगल लेने में हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपने जो डायग्राम बनाना है वो सिचुएशन को एज्यूम करते हुए बनानी है कि सिचुएशन क्या ले रहे हो आप। जब गर्ल नीचे है तो ऑब्वियसली आपने उस तरीके का डायग्राम बनाना है जिसमें गर्ल नीचे। ये टेल टू टेल ज्वाइंट कराने की कोशिश मत करो, आपने जो करना है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल करना है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस वन। हेयर द वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स 12/35 इज 19 डिग्री। ये वैल्यू 19 डिग्री की आएगी, ठीक है। ये आंसर है इसका एग्जैक्ट, क्लियर। सो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। उस क्वेश्चन में आप देखो सेम काइंड का क्वेश्चन है बट चेंज किया है, आप देखना उसे। ये क्वेश्चन आपने अपनी स्क्रीन पे देख लिया कि सेम टाइप का क्वेश्चन है कि विंड यहाँ पे मूव कर रही है 12 मीटर, यहाँ पर भी, यहाँ पे गर्ल मूव कर रही थी, वुमेन मूव कर रही थी, यहाँ पे विंड मूव कर रही 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन इज 35 मीटर पर सेकेंड। सो हु इज स्टिल हियर, द बॉय इज स्टिल हियर हु हैज़ टू होल्ड द अम्ब्रेला। यहाँ पर द गर्ल हु हैज़ टू होल्ड द अम्ब्रेला इज इन द मूविंग स्टेट। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है जो अम्ब्रेला होल्ड कर रहा है, इसमें भी आंसर अभी आपका ये थीटा जो डायरेक्शन पूछा जा रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस रेन फॉलिंग, दैट विल कम एज वी डब्ल्यू। जब आप यहाँ पे इसका कंपेरेटिव लोगे तो वी डब्ल्यू के इक्विवेलेंट आएगा ये। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स वी डब्ल्यू ओवर बेस इज वी आर। सो यू गेट द सेम आंसर, 12/35, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 12/35 एंड यू विल गेट द आंसर इज 90 डिग्री, 19 डिग्री जो पहले में आंसर आ रहा था। दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसीलिए एक साथ आपको दिखा रही हूँ बोर्ड पे। इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर बॉय मूव नहीं कर रहा है जिसको अम्ब्रेला होल्ड करना है, जबकि यहाँ पर वुमेन मूव कर रही थी जिसको अम्ब्रेला होल्ड करना था विद सम वेलोसिटी। तो यहाँ अगर इस टाइप के क्वेश्चन में रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी जाती, विच इज़ दिस वन, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है वी रिजल्टेंट, ठीक है। अब क्योंकि वी आर पहले से ही रिप्रेजेंटेशन है, हम इसको आर दे देते हैं, आर रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर इस केस में रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी निकालनी होती, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए आप इन दोनों वेलोसिटीज का जो वेक्टर फॉर्म में आप रिजल्टेंट मोशन लेते हो उस फॉर्म में ले रहे होते। दैट मीन्स क्या होता, अगर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ वोमेन विद रिस्पेक्ट टू रेन ये आ जाता। तो वेलोसिटी ऑफ वोमेन विद रिस्पेक्ट टू रेन इज वी डब्ल्यू माइनस वी आर। अगर ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वोमेन पूछा जाता तो वी आर माइनस ऑफ वी डब्ल्यू हो जाता, ठीक है। ये रिलेटिव मोशन क्यों, क्योंकि दोनों ही बॉडी मूव कर रही है, रेन भी और वोमेन भी, इसलिए ये केस आ रहा होता, क्लियर। यहाँ पर अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी हम निकालेंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज जस्ट लाइक द, बिकॉज बॉय इज स्टेशनरी, विंड ब्लो कर रही है, विंड का तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। तो बॉय अगर नहीं मूव कर रहा है तो उसके लिए रिजल्टेंट वेलोसिटी वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर हो जाएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट जो बॉय के रिस्पेक्ट में आ रही होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि विंड ब्लो कर रही है तो ऑब्वियसली आप उसको प्रैक्टिकली समझ करके देखो, विंड अगर ब्लो कर रही है और रेन स्ट्रेट अवे वर्टिकली डाउन फॉल कर रही है, विंड ब्लो करेगी तो वो रेन के डायरेक्शन को चेंज करेगी, द रेन डायरेक्शन विल बी चेंज हेयर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पर क्या है कि रेन तो डायरेक्टली गिर रही है, विंड का कोई रोल नहीं है, विंड इज़ ज़ीरो हेयर, और जो गर्ल है वो मूव कर रही है तो उसका एंगल भी उतना ही आ रहा है जितना कि सेकेंड केस में आ रहा है। बट यहाँ पर विंड जो रेनफॉल का डायरेक्शन है, सेकेंड केस में रेनफॉल का डायरेक्शन है वो ही चेंज हो गया है, तो उसके बेसिस पे जो बॉय स्टेशनरी था उसको अपना अम्ब्रेला का डायरेक्शन रेन के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा सो दैट ही मे नॉट वेट, क्लियर। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी दैट विल बी 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर एंड वॉट एवर बी द आंसर यू विल गेट हियर, क्लियर। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, तो ये ध्यान रखना कि बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं है, यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं है, अगर बॉय की केवल बात हो रही है। रिलेटिव मोशन किस में होगा, विंड और रेन में होगा, यहाँ विंड की तो बात ही नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ पर गर्ल मूव कर रही इसलिए ये रिलेटिव मोशन का केस है, ठीक है। तो
ऐसा लग रहा है कि दोनों ही रिलेटिव मोशन के केस है, बट दिस इज नॉट द केस ऑफ रिलेटिव मोशन, दिस इज द केस ऑफ रिलेटिव मोशन. गॉट माई पॉइंट? न्यूमेरिकल देख लिया आपने स्क्रीन पे क्या है. अब इस न्यूमेरिकल के बेसिस पर आपको सॉल्व करना है. तो वेलोसिटी ऑफ द रेन 30 मीटर पर सेकेंड दी हुई है क्वेश्चन में. उसके बाद ये कहा जा रहा है कि गर्ल इज मूविंग विद वेलोसिटी 10, द गर्ल और वुमेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अब मैंने तो ये यहाँ पे डायरेक्शन डायग्राम लिया, तो नॉर्थ टू साउथ भी इधर ही आता है, क्योंकि आपका डायरेक्शन डायग्राम ही ये कहता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. नहीं, ठीक है, नो. क्यों ऐसा? क्योंकि आपके पास सिर्फ वर्टिकल प्लेन, केवल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन ही होता है, दोनों प्लेन होते हैं, एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन है. ठीक है, इसको इस तरीके से थ्री डायमेंशन फिगर में स्पेस में समझना होगा. एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसमें आपके फोर डायरेक्शन हो सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्लियर. और एक ये आपका वर्टिकल प्लेन है, दिस वन इज द वर्टिकल प्लेन, इसमें भी आपके फोर डायरेक्शन हो सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्लियर. तो जो रेन फॉल कर रही है वो वर्टिकल प्लेन में फॉल कर रही है, और जो गर्ल मूव कर रही है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रही है. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी नॉर्थ साउथ है और वर्टिकल प्लेन में भी नॉर्थ साउथ है. तो जो ये रेनफॉल हो रहा है और गर्ल ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे मूव कर रही है, ये आप देख रहे हो, ये मार्कर का डायरेक्शन, ये मार्कर है ना इसका, ये आउटवर्ड टू द बोर्ड इस तरीके से हॉरिजॉन्टली. तो इस तरीके का अगर मूवमेंट हमें ऐसे थ्री डायमेंशन फिगर में दिखाना है, तो हम सिंपली ऐसे ले लेते हैं कि दिस वन इज़ द मूवमेंट ऑफ गर्ल. इसको अगर थ्री डायमेंशन फिगर में इस तरीके से दिखाते तो ऐसे भी हो सकता था कि ये थ्री डायमेंशन फिगर बन रही है, दिस वन इज़ 90 डिग्री एंगल. ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री है, तो वो आपको 90 लगेगा नहीं. ठीक है, तो मैंने ये किया है कि इसको ऐसे रख दिया है, दिस वन इज़ द वुमेन डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ वुमेन दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर. अब पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन शी शुड होल्ड द कैमरा, शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला कैमरा. सो दिस वन इज द थीटा. रेन के फॉल के डायरेक्शन के किस एंगल पर है? लास्ट केस में भी ऐसे ही किया था, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको ध्यान है तो, उसमें भी हमने थीटा यही लिया था. तो थीटा दिस वन, नाउ टेन थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर वी डब्ल्यू ओवर बेस वी आर. ठीक है, वी डब्ल्यू दैट इज 10, वी आर इज 30, सो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3. ठीक है ना, 1/3. अब ये थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 1/3. आप आंसर यहाँ पर भी फिनिश कर सकते हो, बट अगर क्वेश्चन के ऑप्शंस में अगर ये दिया हुआ है कि आंसर नहीं है, एंगल दिया हुआ है, तो आपको टेबल यूज़ करनी होगी. तो 1/3 अगर ऐसे देखो तो टेन ज़ीरो कितना होता है? ज़ीरो. और टेन 30 होता है 1/√3. तो ये जो 30 है 1/√3 हो रहा है, तो √3 इज़ लेसर देन दिस वैल्यू. डिनोमिनेटर लेस होने पर ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो बड़ी है, 30 डिग्री तो नहीं है, 0 और 30 के बीच में है कोई एंगल ये. ठीक है, तो आंसर इसका है आपका 18 डिग्री. ओके, सो ये 18 आना भी चाहिए, 0 और 30 के बीच में होना चाहिए था, सो इट इज़ 18 डिग्री, दैट इज़ द आंसर, क्लियर. अब ये इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम, जैसा मैंने पहले बताया था कि आप डिवीज़न में प्रॉब्लम कर देते हो कि किधर से किधर, गैस वर्क कई बच्चे कर रहे होते हैं कि चलो डायरेक्शन ही तो निकालना है, टेन थीटा या तो ये डिवाइडेड बाई ये होगा या ये डिवाइडेड बाई ये, और उसमें फिर वो गैस वर्क करते हैं तो रॉन्ग होने के चांसेस हो जाते हैं. तो उसको समझ के करो, अभी समझोगे तो आगे के डिफिकल्ट न्यूमेरिकल जो कॉम्प्लिकेटेड आएंगे इससे मिक्स होकर के आएंगे वो आप कर लोगे. ठीक है, तो ये रिलेटिव मोशन का एक केस था. मोर न्यूमेरिकल्स आर देयर, नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद द डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन. मोस्ट प्रोबेबल कि अगर आप लोग रिस्पॉन्स देते हो तो मैं डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस आगे कराऊंगी, अदरवाइज मैंने क्या करना है कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ आल्सो वेरी थ्योरेटिकल चैप्टर एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल चैप्टर. तो उस पर जब वो चैप्टर समझ में आएगा तभी उसी पे बेसिस पे न्यूमेरिकल समझ में आएंगे. सो लेट्स बी विद मी एंड नेक्स्ट टाइम आई मे कम विद द न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्स ऑन माई टेलीग्राम, एंड we can follow the next chapter, that is Newton's law of motion. So thank you for today.